हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर्व भैया, और आज तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ में अपनी 10th बोर्ड्स की ऑनेस्ट स्टोरी जो है वो शेयर करने वाला है। अगर तुमको ऐसा कहीं पर भी लगता है कि भैया आपने तो शुरुआत से ही बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, आप तो टॉपर रहे होगे, आपने तो शुरुआत से ही सिलेबस कर लिया होगा, तो आज ना इस वीडियो के बाद में तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई यार ये तो मेरी ही स्टोरी है। अरे ये तो बिल्कुल मेरी स्टोरी है, ये तो बिल्कुल मेरी स्टोरी का रेप्लिका है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस वीडियो के खत्म होते होते ना तुम्हारे जीवन में दो चीजें बहुत ही अलग लेवल पर सॉर्ट हो जाएंगी। पहला, हम ना खुद को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया हमसे बहुत आगे है और हम बहुत पीछे हैं, पूरी दुनिया हमसे बहुत ज्यादा पढ़ रही है और हमें बिल्कुल कुछ स्किल्स नहीं है, कुछ भी कैपेबिलिटीज नहीं है, कुछ भी एबिलिटीज नहीं है। और दूसरा, इस वीडियो के बाद में तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो किसी भी मोटिवेशनल या फिर किसी भी इंस्पिरेशनल वीडियो से नहीं आ सकता। तो इसी के साथ साथ बिना किसी देरी के स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो देखो, अगर मैं एक सिंपल लाइन में स्टोरी की हेडिंग दूं ना, तो स्टोरी की हेडिंग होगी द लाइफ ऑफ अ मिडिल क्लास स्टूडेंट। ठीक है, मेरे साथ में जो जो चीजें हुई हैं वो शायद तुम्हारे साथ में भी हुई होंगी, और इसलिए ये स्टोरी मैं तुमको सुनाना और समझाना बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं। मेरा एक्सेंट क्यों बदल गया एकदम से? खैर, देखो, 10th क्लास की शुरुआत कभी भी 10th क्लास में नहीं होती। भैया क्या बकवास कर रहे हो, 10वीं की शुरुआत हमेशा 9th क्लास से होती है, और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। लेट अस गो बैक टू द गुड ओल्ड डेज। 8th क्लास खत्म हुई, और 8th तक ना बहुत अच्छा स्कोर करते हो, आपका ग्राफ बिल्कुल ऐसा 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 जा रहा होता है। 9th आई, और 9th के अंदर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट देखे भाई साहब, आज भी हैट्स ऑफ है उन कॉन्सेप्ट को, कि क्या खतरनाक कॉन्सेप्ट थे वो, दे वर अहेड ऑफ देयर टाइम। 9th में आया और एकदम से देखा कि भाई बायोलॉजी में ये क्या है, अभी तक तो बस EVS ही पढ़ रहे थे, ये क्या फिजिक्स बायो केमिस्ट्री हो गया, ये सब क्या चल रहा है, बायो के डायग्राम्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, सब सिर के ऊपर से जा रहा है। अब मेरे क्लास में मैक्सिमम बच्चों ने ट्यूशन ज्वाइन कर ली थी, लेकिन मैंने भी सोचा था कि ट्यूशन ज्वाइन कर लेंगे, पर मुझे ऐसा लगता था कि भाई ऑलरेडी स्कूल में फीस दे रहे हैं, एक्स्ट्रा फीस कहीं क्यों देना, क्योंकि कोई भी ऐसे ऑनलाइन अल्टरनेटिव उस समय पर थे नहीं, और अगर थे भी तो बहुत महंगे थे। मैंने होशियार बन के जो है सोचा कि चलो खुद कर लेंगे, खुद ही कर लेते हैं, तो खुद पढ़ाई चालू की। फिर ना हमारी क्लास 9 में एक टेस्ट हुई थी, अभी भी मुझे एक एक चीज़ बहुत डिटेल में याद है, क्योंकि जब आज मैं उन चीज़ों को पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है, और साथ ही साथ खुद पर प्राउड भी फील होता है। मैंने अपने जीवन के सबसे लोएस्ट मार्क्स उस टेस्ट में स्कोर किए थे, मतलब मैं खुद से ही नजरें ना मिला पा रहा था, मेरे इतने कम मार्क्स आए, तो मुझे लगा कि भाई मेरे इतने कम मार्क्स कैसे आ सकता है, क्योंकि 8th तक तो बहुत अच्छा फोड़ रहा था, 9th में एकदम से क्या हो गया। पर आस पड़ोस के लोगों के बीच में भी ना ऐसा वो हो गया कि यार इसके तो अच्छे मार्क्स आते थे, एकदम से इसको क्या हो गया, एकदम से कम मार्क्स कैसे आ गए, ये किसी और काम में लग गया है, ये ना इसको पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, ये तो बिल्कुल अब देखना कैसे इसका ग्राफ नीचे जाता है। और घर पर मुझे पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा कुछ बोला नहीं, पर कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर वो निराशा आपको दिख जाती है कि यार वो खुश तो नहीं है आपके स्कोर से। खैर, 9th क्लास ही थी, पर उस समय पर भाई 9th के बच्चे के लिए जो चल रहा है ना, वो उसको बहुत बड़ा लगता है कि यार मेरे 9th में कम मार्क्स आए तो भाई जीवन खत्म। हमको तो जिस क्लास में हम होते हैं वो क्लास सबसे बड़ी लगती है, उसके आगे हमारे जीवन में क्या क्या अच्छा होने वाला है वो हम देखते ही नहीं है। तो वही चीज़ हुई, 9th कैसे तैसे करके खत्म हुई, अच्छा स्कोर किया, बहुत बुरा भी नहीं बोलूंगा, पर अच्छा स्कोर किया। उसके बाद ना 10th में आया, और 10th में तो ऑफकोर्स एक अलग ही हाइप होती है, अलग ही क्रेज होता है कि भाई कोचिंग नहीं ज्वाइन की तो तुम बर्बाद हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, कोचिंग ज्वाइन किए बिना 92% आ ही नहीं सकते, लिखवा लो। ऐसे बहुत सारे लोग क्लेम करने लग गए, बहुत सारे लोग बोलने लग गए, पर आप डरते हो ना, ठीक है, आप डरते हो, आप जैसे ही डरते हो आप सोचते हो कि नहीं यार भाई जो सब कर रहे हैं ना वो मैं भी कर लेता हूँ, मेरे को सेफ साइड पर रहना है, मेरे को अच्छा स्कोर करना है। तो मैंने भी एक फैंसी कोचिंग ज्वाइन कर ली। अभी फैंसी कोचिंग ज्वाइन करने के बाद में शुरुआती दौर में तो बहुत मज़ा आता है, आप जाते हो, आप नए नए बच्चों से मिलते हो, आपको लगता है अरे भाई इस बैच का अगर कोई टॉपर बनेगा तो वो अथर्व पुराणिक बनेगा, नहीं तो और कोई नहीं बनेगा, और हमारे अंदर वो फीलिंग होती है। 10th बोर्ड है भाई, नया साल शुरू हो रहा है, अब शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे ना मुझे एक चीज़ ऑन अ सीरियस नोट रियलाइज होने लग गई कि कोचिंग में ना एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिस पर कोचिंग का मैक्सिमम ध्यान रिवॉल्व होता है, बाकी के जो बच्चे ना वो आउटर रेडियस में आते हैं, वो कोचिंग में हैं, उन पर थोड़ा बहुत शायद ध्यान भी है, लेकिन कोर फोकस इन पर है, क्योंकि ये बच्चे आगे जाके इन्हीं कोचिंग्स का नाम बैनर पर शो करेंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगेंगे, तो ऑफ कोर्स एक कोचिंग ज़्यादा ध्यान इन पर देगी, तो वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा। और आज जो मैं कर रहा हूँ ना,
इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेशन उस बात से भी है कि भाई इतनी फीस, इतनी महंगी कोचिंग, और एट द एंड फोकस इन बच्चों पे ज़्यादा है। खैर वो तो बात की बात है, वो डिफरेंट बात है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। बात आती है स्कूल की, तो स्कूल में देखो जब आप टेंथ में आते हो ना तो टेंथ की मस्ती अलग ही होती है भाई। टेंथ में जो आप मस्ती करते हो बिल्कुल ही अलग लेवल की होती है। तो मस्ती मस्ती में काफ़ी समय निकल गया, हाफ ईयरली आई। अब हाफ ईयरली जैसी आई ना, पता ही नहीं चला कब हाफ ईयरली आ गई। दसवीं के इस माहौल में हम इतना बिल्कुल घूम गए थे, इतना एंजॉय कर रहे थे इस क्लास को कि पता ही नहीं चल पाया कि कब हाफ ईयरली आ गई। हाफ ईयरली आई और बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया था। अब आप स्कूल भी जा रहे हो, अब आप कोचिंग भी जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या जस्टिफिकेशन दोगे कि मेरे कम मार्क्स क्यों आए, राइट? और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं मेहनत में कम पढ़ रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि यार कहीं ना अपनी सही से मेहनत नहीं हो पा रही, या फिर अपन सही ध्यान नहीं लगा पा रहे, मार्क्स कम आए। हालांकि इतने भी बहुत कम भी नहीं आए थे, पर कम जरूर आए थे मार्क्स। मैथ्स में काफ़ी कम मार्क्स आए थे मेरे, मैथ्स में मुझे अभी भी याद है, मैथ्स में मैंने बहुत कम स्कोर किया था। सो अगेन वो रिपोर्ट कार्ड था, मम्मी पापा को साइन करना था उसके ऊपर, जैसा हमेशा होता है स्कूल्स में। इस बार जो उनके चेहरे पर निराशा थी ना, वो देख के बड़ा दुख हुआ, क्योंकि इस साल बोर्ड्स थी, राइट? और वो बोर्ड्स के पहले पहले आप जब कम स्कोर करते हो ना, तो बहुत डर लगता है आपके पेरेंट्स को भी कि यार इसके बोर्ड्स में कम नंबर ना है, ये बोर्ड्स में ना इसकी बोर्ड्स ना बिगड़ जाए। वो चिंतित रहते हैं, वो आपको लेकर काफ़ी चिंता में रहते हैं। तो वही सीन था और मुझे वो दिख गया था, हालांकि उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, पर वो दिख गया था कि भाई कहीं ना मैं कम पढ़ रहा हूँ। मैंने सोचा कि भाई अब तो पढ़ाई करनी चाहिए, अब तो पढ़ाई करेंगे। और आपके अंदर भी ऐसा बहुत बार मोटिवेशन आया होगा कि आपने कोई सिचुएशन को देख कर, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को देख कर आप बहुत मोटिवेट हुए होंगे, लेकिन टाइम के साथ साथ ना हर एक चीज़ फेड अवे हो जाती है, और ये मोटिवेशन भी धीरे धीरे फेड अवे होने लग गया। हालांकि नहीं होना चाहिए था, पर आप बच्चे रहते हो यार, आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, तो वो फेड अवे होने लग गया धीरे धीरे। अगेन आप स्कूल की मस्ती में गुम हो जाते हो, कोचिंग वोचिंग की टेस्ट वेस्ट चलती रहती है। अब देखते ही देखते ना एक बार क्या हुआ, ये बात है प्री बोर्ड्स के पहले की। नॉर्मल रूटीन तो चल रहा था, नॉर्मल रूटीन क्या ही बताऊँ तुमको, नॉर्मल रूटीन चल रहा था, वही स्कूल कोचिंग होमवर्क बस खत्म, एक नॉर्मल रूटीन चल रहा था। कोई ऐसी एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी में नहीं कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा था, ऑफकोर्स थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया, हो गया। एक बार क्या हुआ ना, ये पॉइंट मुझे आज भी बहुत डिटेल में याद है। कोचिंग में हमारी क्लास चल रही थी फिजिक्स की, और मैं बैठा हुआ था, मैं दो दिन कोचिंग नहीं जा पाया था किसी कारण से, तो मैं बैठा था और मैं मिडिल रो में बैठा हुआ था। तो मैंने सर से पूछा कि सर ये मुझे समझा दो, मैं क्लास में नहीं आया था। अब देखो ऑप्शन तो बहुत सारे थे सर के पास में कि वो मुझे बता सकते थे कि भाई बाद में पूछ लेना, क्लास के बाद पूछ लेना, क्योंकि मुझे डाउट था तो मैंने पूछ लिया, मैंने क्लास में वो चीज़ पूछ ली। सर ने बोला कि ये समझा चुका हूँ मैं बहुत बार। मैंने कहा हाँ सर मैं नहीं आया था, तो आप मुझे बाद में समझा देंगे। उसके बाद जो उन्होंने मुझे बोला ना, मैं आज भी वो चीज़ भुला नहीं पाता, मतलब वो दिमाग में भी मेरे कहीं ना कहीं रहती है, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं बहुत सारे बच्चों के साथ शायद होता होगा। उन्होंने बोला कि हाँ बेटा वैसे भी तो दो दिन आया नहीं था, एक काम कर कोचिंग आना बंद करते, अब आपके पैसे तो वैसे भी वेस्ट कर दिए हैं तूने, और तेरे मार्क्स देख के तो लगता नहीं तेरा कुछ हो पाएगा, तो तू ठेला खरीदने का जुगाड़ कर ले। अब देखो ये बात ना लगती तो बड़ी खराब है, चुभती, और शायद गलत भी होगी पता नहीं, पर ये बात ना मुझे बहुत चुभ गई। क्योंकि आप सोचो कि आपको कोई ऐसा बोल रहा है, आपको ये बोला जा रहा है, आपको पता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप अच्छा इतना स्कोर कर सकते हो, और आपको ये बोला जा रहा है। तब उस दिन मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। ऑफकोर्स आप कुछ कर नहीं सकते क्लास के सामने, लेकिन एकदम से वो लगता है ना कि यार पूरी क्लास के सामने बोल दिया, और उसके बाद बच्चे का कभी मन भी नहीं करता है वो डाउट पूछे, क्योंकि उसको डर लगता है कि यार मेरी बेइज्जती ना हो जाए। और हमारे देश में, हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर डर किसी चीज़ का हमको होता है तो वो है बेइज्जती का। उस दिन मैंने सोच रहा था कि भाई सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे आसपास होंगे जो मेरे बारे में बुराई करते होंगे, क्योंकि आप जब अच्छा स्कोर करके बेकार स्कोर करते हो ना, तब आपकी ज़्यादा बुराई होती है। यही चीज़ हुई, मैंने सोचा कि भाई अब ना कोई कितना भी बोल ले, कोई कितना भी कुछ भी बोल दे, मुझे बोर्ड्स में 95 फोड़ने हैं, मतलब फोड़ने हैं कुछ भी हो जाए, और बचे थे सिर्फ 2 महीने,
ठीक है, सिर्फ 2 महीने बचे हुए थे, सिलेबस बहुत ज्यादा हमारा हुआ नहीं था, और अभी अभी रिसेंटली प्री बोर्ड हुई थी, उसके मार्क्स आए, मैक्सिमम क्लास के कभी मार्क्स आते और मेरे भी कम ही आए थे, कुछ 70% के अराउंड आए थे, क्योंकि प्री बोर्ड्स में इतने ही मार्क्स आते हैं, जनरली स्कूल्स बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं और हमारे इसमें तो बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग की थी भाई। पर मैंने ठान लिया था कि भाई ये जो 65-70 के बीच में परसेंटेज आए ना, इसको 92 पर लेकर जाना है, 95 पर लेकर जाना है। कैसे? बहुत ही अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा तुमको? 2 महीने के अंदर कैसे आएंगे भैया? मैंने 4 चीज़ें उठाई और 2 महीने सिर्फ सेल्फ स्टडी की है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी की है। रेफरेंस बुक, NCERT, सैम्पल पेपर और रिविजन, इन 4 चीज़ों के साथ में मैंने अपने लास्ट के 2 मंथ गुजारे, क्योंकि ना उस समय पर कोई ऐसे बहुत ही तगड़े तगड़े तुम्हारे यूट्यूब लेक्चर्स थे, ना ही कोई ऐसे बहुत ही कम प्राइस वाले कोर्सेज थे, कुछ नहीं था, जो करना है खुद ही करना, और मैंने ठान लिया था कि भाई खुद ही करूँगा, अब तो मैं खुद ही करूँगा। और ऑनेस्टली मतलब मैंने उस समय पर NCERT, एक रेफरेंस बुक, सैम्पल पेपर और रिविजन, इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं किया था। और इनफैक्ट रेफरेंस बुक भी मैंने बहुत कम यूज़ की थी, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल, अगर कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था उसको उसमें से देख लिया। उस समय पर मैंने ओसवाल के सैंपल पर यूज़ किए थे, तो बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ओसवाल बहुत समय से नाम चलता आ रहा, तुमने सुना भी होगा, ठीक है, तो उस समय पर मैंने ओसवाल के सैंपल पेपर का इस्तेमाल किया था। बाय द वे अभी ना तुम ये, मैंने एक बुक ऑर्डर की है, दिस इज लास्ट मिनट प्रिपरेशन, तो तुम ये जो बुक है ये भी अभी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर वो नहीं होता लास्ट मिनट में हमको जो जो कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, प्लस सैंपल पेपर, प्लस बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर तुमको इस बुक में मिल जाएंगी। और इस एक बुक के अंदर ना सारा तुम्हारा, मतलब सारे ही जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब इसके अंदर हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, सब इसके अंदर हैं। तो खैर उस समय पर तो ये बुक नहीं थी, पर अभी तुम्हारे लिए काफ़ी एक हेल्पफुल बुक हो सकती है, तो तुम ये ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। मतलब मुझे लगता है कि इट विल समवेयर हेल्प यू टू रिवाइज क्विकली, तो रिविजन में तुम्हारा काफ़ी इससे हेल्प हो सकता है। मेरे सबसे नियरेस्ट स्टोर्स में तुमको ये मिल जाएगी शायद, और अगर नहीं मिलती है तो मैंने लिंक नीचे दे दिया, वहाँ से तुम परचेज कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। इन 2 महीनों में जो मैंने मेहनत की थी ना, मुझे आज भी याद है कि अगर वैसी मेहनत इंसान अपनी डेली लाइफ में डाल देना तो वो बहुत आगे निकल सकता है। वो 2 महीनों में मैंने बहुत मेहनत की कि भाई फोड़ना है कैसे भी करके, भाई कैसे भी करके मेरे को 95 लाने, बस यही दिमाग में था कि भाई 95 लाने, और कोई बहुत बड़ा विजन नहीं था कि यार इसके बाद में मैं JEE क्रैक करूंगा और फिर इस कॉलेज में जाऊंगा, नहीं, विजन बस इतना था कि भाई ये जो लोग मेरे बारे में बकवास करते हैं ना, इनका मुंह बंद करना है, और दूसरा वो जो मेरे पेरेंट्स के मुंह पर निराशा आई थी उसको खुशी में बदलना है, यही मेरा गोल था और यही हुआ। मैंने 10th बोर्ड्स में 92% स्कोर किया। तब तुम बोलोगे भैया आपने तो 95 का एम किया था, देखो टेक्निकली मेरा 95 आ जाते हैं, पर परेशानी ये हुई कि मैंने ना फ्रेंच ले रखा था, फ्रेंच सब्जेक्ट लिया हुआ था। अब जोश जोश में हमने 8th क्लास में फ्रेंच ले तो लिया था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार फ्रेंच में शायद मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, जिस कारण ही मेरे ये जो 3-4% ड्रॉप हुए थे ना वो हुए थे। सो बेसिकली मैंने हर सब्जेक्ट में 80 में से 75, 76, 76, 76 स्कोर किया था, ठीक है, और स्कूल से भी ऑलमोस्ट फुल मार्क्स ही मिले हुए थे, तो समवेयर अराउंड मेरे मतलब हर सब्जेक्ट में 94, 94, 95 ऐसे जा रहे थे। हुआ ये कि मेरे फ्रेंच में 80 में से 65 मार्क्स आए, तो जो मैंने इतने सारे सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छा अच्छा स्कोर करके मेरे परसेंटेज को बूस्ट किया था, इस फ्रेंच के स्कोर के कारण मेरा परसेंटेज ड्रॉप हो गया थोड़ा सा, तो जो 95 आने वाले थे वो 92 है, फिर भी मैं स्कूल में ऑल टॉपर की लिस्ट में था ही सही, ठीक है। तो तुम्हें इस स्टोरी में ना कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा होगा कि भैया बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ था आपके साथ में, तो नहीं, ये हर इंसान की, हर बच्चे की लाइफ में होता रहता है। कभी ना कभी तुमको ऐसा दिखेगा कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे नाराज हैं, कभी ना कभी तुमको ऐसा भी दिखेगा कि टीचर ने तुम्हारी इंसल्ट कर दी है, कभी ना कभी तुमको ये भी रियलाइज होगा कि तुम बहुत मस्ती में लग चुके हो, कभी ना कभी तुमको ये भी रियलाइज होगा कि अब समय आ चुका है हमको पढ़ना है, तो ये सब हो जाता है, ठीक है। मैं भी कोई अलग नहीं था, मैं भी कोई ऐसा नहीं था कि मैंने मतलब पूरे साल मेहनत की थी, कुछ नहीं था ऐसा, बस आखिरी के 2 महीने डेडिकेशन में लगाए। और मैं आज तुमको यही बोलना चाहता हूँ कि भाई आखिरी के 2 महीने ना फुल डेडिकेशन के साथ में लग जाओ, ठीक है, फुल मतलब फुल डेडिकेशन के साथ में लग जाओ, रिजल्ट आएगा, 100% आएगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि अगर मेरे मार्क्स आ सकते हैं, मैं ये सब करने के बाद में भी अगर मैं इतना अच्छा फोड़ सकता हूं, तो भाई आज की डेट में तुम्हारे पास तो इतने रिसोर्सेस हैं कि तुम आराम से फोड़ सकते हो,
ठीक है, आज के डेट में तो अगर तुम घर पर भी कोर्सेस से यूट्यूब से पढ़ते हो ना तो भी बहुत अच्छा फोड़ सकते हो, ठीक है। तो इन 2 महीनों को बिल्कुल वेस्ट मत जाने दो। तुम्हारे लाइफ में भी ऐसा कोई ना कोई पॉइंट आया होगा जब लोगों ने तुमको कुछ ना कुछ ताने मारे होंगे, उन तानों के कारण डिप्रेस ना ही हो जाना, उस ताने के कारण खुद को मोटिवेट करना है, उसको अपना फ्यूल समझना है कि थैंक यू ताना मारने के लिए, जो मेरे अंदर का फ्यूल कम हो गया था इसके कारण वापस आ चुका है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जो स्वीट सिंपल शॉर्ट स्टोरी थी और बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही नॉर्मल स्टोरी थी, वो पसंद आई होगी। ये स्टोरी नॉर्मल थी इसलिए इस स्टोरी में इतना इंटरेस्ट है। अगर मेरी स्टोरी कुछ ऐसी होती ना कि नहीं मैं तो बिल्कुल ही मतलब मैंने जीरो, मेरे तो 10% आया था, मैं तो फेल हो गया था और फिर मैंने अच्छा स्कोर किया, तो शायद हमको रिलेटेबल नहीं लगती। या फिर अगर मैं ऐसा बोलता कि नहीं यार मेरे तो पहले से बहुत अच्छे नंबर आते थे, ये तो मैंने आखिरी में भी अच्छा फोल्ड दिया, अच्छा स्कोर कर लिया, तो भी रिलेटेबल नहीं लगती। लेकिन मेरी जो स्टोरी थी ना वो मुझे आज लगता है कि भाई हर बच्चे की स्टोरी है और हर बच्चे की लाइफ में यही चीज़ होती है, ठीक। सो विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के साथ साथ कुछ बहुत ही अच्छा आपको सीखने को मिला होगा कि कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट ना करो। देखो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, अगर तुमको लगता है ना कि तुम्हारे 50 में से 10 या 15 20 नंबर भी आ रहे हैं तो भी तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, विश्वास रखो। मैंने मेरे बैचमेट्स को देखा है, ठीक है, मैंने देखा, और इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ कि अगर आज से 5-6 साल पुरानी बैच ये कर सकती है तो भाई तुम तो डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली 5-6 साल भी क्या, 6-7 साल पुरानी बैच अगर ये कर सकती है ना तो तुम डेफिनेटली कर सकते हो। विद दैट बीइंग सेड, आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल, फोड़ते रहो, तबाही मचाते रहो, क्योंकि अभी बोर्ड जाने वाली है और हमको आग लगानी है। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर। अच्छा हाँ, और एक चीज़, मैंने भी फुल सिलेबस में ही एग्जाम दी थी तो मेरा भी पूरा सिलेबस था, ठीक है, ये चीज़ मैं बताना भूल गया था। विद दैट मीन्स, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के अंदर। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।